साथी भवन सिंह जी जो आपकी सेवा के लिए काफी दूर से बना रहे और काफी बिजी होने के बाद भी पप्पूलाल जी की ने निवेदन किया और आप हमारे बीच में आए, उनके भी मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। अमर सिंह जी, सुरेश जी और हमारे जाट साहब और गांव के बुजुर्ग और मेरी माता बहनों, जैसा कि पप्पूलाल जी ने बताया कि गांव के अंदर सरकार कार्ड बना के जो हमें सहायता प्रदान करती है उसके बारे में जानकारी मैं आपको दूँ। आपको जैसे मालूम ही है कि बहुत से लोग आते हैं और कुछ पैसे लेके चले जाते हैं, पैसे और कार्ड बनता भी नहीं है। तो कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले हमको एक संगठन बनाना पड़ता है। आप अकेले जाओगे, कोई आपसे पैसे ले लेगा कि मैं कार्ड बनवा दूंगा और बनेगा भी नहीं। हमने एक यूनियन बनाई है, इसका नाम श्रमिक विकास संगठन, जो खेती बाड़ी, नरेगा और मकान का जो काम करता है, जैसे लाइट का काम हो, फर्शी का काम हो, चुनाई का काम हो, मजदूरी हो, जो भी अपने मकान का काम करते हैं उसके लिए ये सरकार ने योजना बनाई है। तो हमने सबसे पहले एक संगठन बनाया है ताकि हम हमारी कुछ भी बात रखेंगे तो सरकार उसको सुनेगी और हमारा जो फालतू का पैसा लोग ले जाएंगे वो भी नहीं ले जा सकेंगे, क्योंकि हमारे बीच में पप्पूलाल जी आप सब जानते हो, इनको तो ये कहीं जाने वाले भी नहीं है। अगर आपसे पैसे लेंगे, कार्ड लेंगे तो इनको पकड़ भी सकते हैं घर जाके अपन, कि भाई हमारे से कार्ड बनवाया था, उसका क्या हुआ, अभी तक एक महीना हो गया, दो महीने हो गया, आया क्यों नहीं, तो ये इनकी जवाबदारी रहेगी। इसीलिए अपन ने संगठन बना के ऐसे आदमी को रखा है कि जो बाहर का आदमी नहीं आए और अपने घर का आदमी रहे, ताकि हम घर जाके उसको पकड़ सकें। और इसके लिए हम वो सरकार से जैसे अपनी यूनियन बन जाएगी, सब गांव के सब पंचायत से जुड़ जाएंगे, उदयपुर से भी हमने जोड़े, चित्तौड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सब दूर से बड़ा संगठन बनाएंगे अपना। फिर सरकार से डायरेक्ट जाके बात करेंगे, भाई हमारे गांव में ये दिक्कत आ रही है। जैसे 2 रुपये किलो गेहूँ देती है गाँव में, लेकिन बहुत से लोगों को मिलते ही नहीं है कि वो कार्ड लाओ, ये लाओ, वो लाओ, इस पे अंगूठा लगाओ, कभी अंगूठे के निशान नहीं आते, काफी परेशान करते हैं आजकल। उसके लिए कोई भी समस्या आए आप पप्पूलाल जी को इनको बताना, ये हमें बताएंगे, अपन जयपुर जाके बात करेंगे, हमारे गांव में ये दिक्कत आ रही है, इस तरह से हमें सुधार के लिए गुजराई से, तो वो काम भी अपन करेंगे। इसी तरह से जो भी कठिनाई आपके बीच में आए, तो एक पप्पूलाल जी है अपने, ममता जी जो है, क्या नाम, कुमावत, इसको बताना, ये भी आपके बीच में घर पे आराम से आएगी, लेडीज है, महिलाओं से आराम से खुल के बात भी कर सकती है। तो हम सबको, महिलाओं को भी जोड़ रहे हैं, बुजुर्ग भी हमारे साथ में हैं। और मैं तो पप्पूलाल जी कह रहा हूँ कि अपने जो युवा पीढ़ी है उनको भी लाओ साथ में, ताकि वो भी कुछ काम करें, और जहाँ महिलाएं नहीं जा सकती, लेडीज नहीं जा सकती, वहाँ पे वो जाके काम करेंगे। तो इसलिए सबको संगठित होना है और एक आवाज़ में अपन काम करना, कभी भी जैसे अपना काम नहीं हो रहा है और अगर डिपार्टमेंट में जाना है तो सब माताओं बहनों से मेरी यही प्रार्थना है कि इनके साथ जावे और वहाँ जाके बात करें। अगर हुआ तो हम भी उधर कुछ आ जाएंगे और यहाँ पे जो डिपार्टमेंट है उससे बात करेंगे, आपके जो भी गेहूँ की समस्या हो, चाहे जो भी कमी उपेशी हो रही हो, नहीं हो रहा हो काम, हमें बताना, हम आगे आपके लिए खड़े रहेंगे। इसलिए संगठन बनाना जरूरी है और ये संगठन आपके छोटे से छोटे काम के लिए, उदयपुर में जैसे कोई काम भी होगा आपका, हॉस्पिटल में आए, आपको जानकारी नहीं देती किसको डॉक्टर को दिखावे, क्या करें, तो हमारे सुरेश जी को फोन करना, ये सब आपको बता देंगे कहाँ पे क्या, कहाँ जाना है, कैसे। वहाँ पे भी आजकल पैसे खाने वाले बहुत आ गए हैं, और उसे डॉक्टर के जाना है 500 रुपये दे दे, 1000 रुपये दे दे, ये कर दे, वो कर दे, तो ये सब काम आपकी मदद करने के लिए भी तैयार रहेंगे। हमें संगठन बनाने से कई तरह के फायदे रहेंगे, तो पप्पूलाल जी आपको इसका मेंबर बनाएंगे, आप सब एक रसीद करवा के मेंबर बनना, और रसीद अपन को क्या डिपार्टमेंट में देनी पड़ती है, तभी जाके वो कार्ड बनता है, और सचिव से वेरीफाई कराना पड़ेगा, इसलिए वो रसीद भी कटवाना जरूरी है। कोई भी अगर कुछ भी कहे तो रसीद लेना जरूरी है, रसीद पैसे दिए तो रसीद लेना जरूरी है, उसका हिसाब किताब अपन सरकार में भी देते हैं। तो मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप सब संगठित हो और जैसा पप्पूलाल जी आपको समझाए वैसी बात माने, और कोई भी दिक्कत आए तो इस पर मेरे भी नंबर है, हमारे निर्भय सिंह जी के भी हैं और सुरेश जी के भी हैं, हम आएंगे उदयपुर से और आपकी हर मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।